ही मानव शांति जग में पा रहे हैं, जो सतत गुरु ज्ञान को अपना रहे ही मानव शांति जग में पा रहे हैं। भोग सुख का अंत दुख है, भोग सुख का अंत दुख है, किंतु फिर भी भोग सुख का अंत दुख है, किंतु फिर भी जिसे देखो उधर ही ललचा रहे हैं, जो सतत वही मानव शांति जग में पा रहे हैं, जो सतत गुरु ज्ञान को अपना रहे हैं, वही मानव देखते नबी योग को, देखते नबी योग को संयोग में ही, देखते नबी योग को संयोग में ही, कभी रोएंगे अभी जो गा रहे हैं, देवानंद जी महाराज से 20 साल पहले मुलाकात हो गई हमारी, जब बालानंद महाराज जी ने वहाँ एक चातुर्मास अंजनवाड़ा महादेव बोल के एक पहाड़ी में मंदिर है, वो मंदिर में एक चातुर्मास का आयोजन किया है। वो आयोजन में भारत देश में से 108 महात्मा चुन के लाए और इसमें से देवानंद जी महाराज है 108 में से, तो बालानंद महाराज हमारे गुरु हैं। तो बाद में उन्होंने बोले भाई ये चातुर्मास होगा, मैं और बालू आप्पा तड़के से दोनों थे साथ में, शाहने साहब थे, बोले ये चातुर्मास होगा और ये दत्तात्रेय जो मंदिर है तुम्हारा पिटुली में, वो जगह पे ये महाराज को वहाँ रंदिर। मेरे पीछे वाले यहाँ पे पहाड़ी है, यहाँ पर दाबा डिग्रस और इटोली का एक तपोभूमि का स्थान है, और जो ये राइट साइड में जो है पूर्णा नदी, ये उत्तर वाहिनी है, ये विठ्ठल रुक्मय का मंदिर है, ये बहुत ही प्राचीन और पुरातन मंदिर है, ऐसा कहा जाता है ये पांडवों द्वारा निर्माण किया गया मंदिर है। 21 साल पहले बालानंद जी महाराज यहाँ पर आए थे, उन्होंने यहाँ पर ज्ञान यज्ञ और भंडारा किया था, तब देवानंद जी महाराज उनके साथ यहाँ पर आए थे। वो आने के बाद यहाँ पर 7-8 दिन यहाँ पर देवानंद जी महाराज रेगुलर आते थे, उसके बाद उनको यहाँ पर ये जगह बहुत अच्छी लगी, फिर यहाँ के दाबा डिग्रस और इटोली के जो उनके लोग कुछ चाहने वाले लोग हैं, देवानंद जी महाराज को यहाँ रुकने के लिए आग्रह किया उन्होंने।
ओम नमः शिवाय। 1990 में आए थे बाबा, हम छोटे थे, स्कूल में जाया करते थे और नदी में आसपास रहते थे बाबा, और हम आते जाते रोटियाँ देते बाबा को, तो बाबा ने बोला कुटिया बनाई, कुटिया बनाई तो हम ऊपर वो मदन बापू सब 7-8 जन डॉक्टर साहब वो उसको कुटिया बांध के दिया। फिर हम सब लोग उठते थे बाबा, सब ये पत्थर तोड़ते थे, ऐसे मेहनत किए, बस बस सब लोग काम करते थे। बाबा ने ऐसा किया, जब बोलो तो कुछ जप नहीं आता था, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, फिर चालू हुआ जब, ऐसा हुआ का बस कुछ मत, ऐसा जब कभी हुआ नहीं, कभी होना नहीं उधर, नहीं कहा में फक्त डिग्रज दाबा इटोली। मेरे पिताजी बहुत बहुत भगवान का नाम लेते हैं और हरिपाठ भी लेते हैं और सुबह दिंडी में जाते हैं। हमारे पिताजी से मुझे बहुत प्रेरणा मिली, वो कहते हैं कि भगवान का नाम हमेशा लेना चाहिए। छोटे बच्चे हैं ना, ओम ओम नमः शिवाय का जप करते हैं। हमारे जो महिला मंडल है वो खेत में काम करते समय भी ओम नमः शिवाय का जप करते हैं। हमारे गांव में भी डिंडी निकलते हैं लोग, वहां भी ओम नमः शिवाय का जप करते हैं बाबा के आशीर्वाद से। प्रेरणा तो हमारे वो धोती खेड़े हैं ना, तो वहाँ बारिश भी गिर रही है, हमारे जो खेत में जो सब अनाज मिल रहा है और सब जीवन सबका जीवन सुखी बना है। तो हमारे दोस्त तड़के से और मैं जो मेनबत्ती रही थी ना, वो मेनबत्ती लेके वहाँ रख दिए, मतलब अंधेरे में बहुत पहाड़ी एरिया है। तो बाबा जी रंदे बोले काय कुला है, बोले नहीं पहाड़ी एरिया है अंधेरा है तो यहाँ उजाला थोड़ा हो ना, कुछ नहीं बोले, रख दिया हमने वहाँ। तो 4 साल वो मेनबत्ती को छिलगाया नहीं उन्होंने, 4 साल बाद में कोई तो भी एक भक्त ने सेल दिए बैटरी की, वो भी वैसे गिर गए। बाद में एक भक्त ने एक संदूक लाया, वो दिया, हम गए दोनों, हमको बोले ये संदूक किसने लाया, बोले ये काय को लाया, बोले बोले ये संदूक लाया, उसके बाद कुफल आया, उसके बाद चाबी आया, वो चाबी के बाद सब संसार आया और उसके मारे में इधर आया। महाराष्ट्र से प्रेरणा इतनी है, हमको आत्मा शांति मिलती है, इनके सहवास में रहे, दर्शन लिए आत्मिक शांति मिलती है। धन दौलत पैसा तो कोई भी कमाएगा, कुछ भी मिलेगा, मगर ये जो शांति मिलती है वो नहीं मिलती, वो बहुत अनुभव है, अब क्या बोल नहीं सकते उसको, हमारे आँखें में पानी आता है। बोले महाराज जी शुरू से जंगल में जब आए तब यही पूर्णा नदी है कि जहाँ अपना स्नान दो वक्त दो टाइम का स्नान ये नदी में करते थे, यही जंगल में कुटिया में रहते थे। अभी पास में ही 200 मीटर दूरी पर बाबा की कुटी है और यहाँ से ऊपर दत्त आश्रम दत्त मंदिर है, मारुति मंदिर है कि जहाँ अखंड हरि ओम नमः शिवाय का जप चलता रहता है। दिन को महाराज जी को जैसा आना जाना, देवानंद महाराज बालानंद महाराज दोनों मिलते थे और उन्होंने वापस जाते थे। फिर उसके बाद में हमने वो सप्ताह समाप्त हो गया तो हमने वो बचे वाला पूरा सामान जो है वो सामान वो लेके वहाँ गए तो महाराज जी बोले मैं सामान नहीं होना बोल के इधर आया और तुम मेरे को लाके डाल रहे तो तुम ये वापस लेके जाओ।
गुरुदेव महाराज हमारे गांव में प्रायः प्रतिवर्ष आया करते थे। तो हमारे भी पूर्व जन्म के संस्कार थे, एक संत का समाधि स्थिति वहाँ शंकर जी की स्थापना थी, मेरा भी आना जाना वहाँ पर चलता रहता था। तो वो संस्कार जागृत होते चले गए। तो महाराज जी का आवागमन हमारे गांव में होता था, तो प्रवचन होते थे तो मैं भी जाता था दूसरों के साथ, अपने मित्र लोगों के साथ। लेकिन बुद्धि तो समझ में आती नहीं, बस यही समझ में आता था कि कोई संत आए थे, बड़े बड़े सुंदर भजन सुनाते थे, प्रवचन करते थे, इतना बस सुनते थे। तो धीरे धीरे जब कई वर्ष महाराज जी का आना जाना बना रहा, तो हमारे गांव में जो बाला प्रसाद जी शुक्ला जी थे, उन्होंने महाराज जी के रहने के लिए एक कुटिया बनाई थी। तो मैं वहाँ जाता था प्राय करके नारायण। तो कल्याण बाबा जी जी महाराज जी के संपर्क में पहले से आए हुए थे, तो जब उनकी सेवा में रहते थे, तो मैंने भी इच्छा व्यक्त की, बाबा जी मैं भी स्वामी जी को सेवा कर सकता हूँ। तो मेरे को स्वामी जी के पास ले गए, महाराज जी से बोला, भगवान ये भी आपके आप सेवा करने की इच्छा है, ठीक है। तो फिर सेवा में लगे रहते थे, गांव से कुछ जैसे वस्तु कोई लाने होती थी, भोजन है, दूध वगैरह है, कोई ऐसी वस्तु तो मैं ले आता था महाराज जी के आदेश अनुसार। अब वहाँ से चलने का महाराज जी का समय आया, तो महाराज मैंने कहा कि भगवान कल्याण बाबा से कहा कि बाबा जी स्वामी जी के साथ मैं भी जा सकता हूँ क्या, महाराज जी की आज्ञा। तो महाराज जी कहने लगे, भाई तुम्हारे माता पिता तो नहीं कुछ कहेंगे। तो मैंने कहा महाराज जी माता पिता नहीं कहेंगे कुछ, चलो। तो महाराज जी वहाँ से अपने हमारे गांव तो मटौंद से लेकर के महाराज जी पहुँचे बांदा, तो दो दिन वहाँ पर रोके। भाई है हमारे, हादेवल भाई हमारे गुरु भाई हैं। नहीं वो तो पहले से थे, वो हमसे पहले आगे थे। वो मैं नहीं इतना पढ़ा था, मैं तो कुछ नहीं पढ़ा हूँ, मैं तो मार डंडा वाला हूँ। अब वाल्मीकि ईसाई, अब वो पढ़ा भी लिखा था, वो गीता और रामायण दोनों का कंट्रैक्ट था उसके। देवल बाबा ने हमारे वक्त ये किया कि मुझे मंत्र दिलाइए, या फिर मैं महाराज जी के निकट लुआ के गया। जब निकट लुआ के गया तो महाराज जी ने फिर उनको रोक लिया। फिर महाराज जी से वो इधर उधर नहीं हुए। हम लोग यहाँ मटौंद गांव में सिद्ध बाबा के स्थान पर बैठे हैं। सिद्ध बाबा का स्थान पूरे मटौंद गांव के आस्था का केंद्र है, और ये कह लीजिए कि मटौंद का सिरमौर है। पहाड़ के ऊपर शंकर जी महाराज का स्थान है, और लोगों की मान्यता है कि सिद्ध बाबा के स्थान पर अगर कोई मन्नत रखी जाती है तो अवश्य ही वो पूरी होती है। हमारे जो बाबा थे श्री रामेश्वर सिंह विनीत जी, वो भी इस स्थान से बहुत ही लगाव रखते थे। श्री देवल बाबा जी महाराज जी जो हमारे चाचा हैं रिश्ते में, हमारे पिताजी के सबसे छोटे भाई हैं जो आज संत भेष में हैं, वो भी यहाँ पे अक्सर आते थे। और यहाँ से मतलब अपने बाल्यकाल में और अपने कहते हैं छात्र जीवन में वो महाराज जी श्री देवल बाबा जी यहाँ पे आते थे और यहाँ पे पूजा भजन करते थे। आज हम जिस स्थान पर बैठे हैं ये बड़ा सौभाग्यशाली स्थान है, और पुराने समय से सिद्ध बाबा के नाम से जाना जाता रहा है। यहाँ पर हमारे पूज्य स्वामी पथिक जी ने गांव के सहयोग से एक कुटिया बनवाई जो मेरे पीछे बनी हुई है। उसी समय से हमारे अनुज मामा के लड़के देवल सिंह थे, जो कि बचपन से ही उनकी आस्था जो है भक्ति पक्ष में थी। स्वामी पथिक जी के समकक्ष आकर के ही उन्होंने अध्यात्म का ज्ञान किया, और यहीं से ज्ञान प्राप्त करके उन्होंने अपना सारा जीवन सामाजिक उसमें लगा करके और योग साधना के द्वारा जनता को समाज को एक दिशा दी। वो आज बड़े संत हो गए हैं,
जो देवल बाबा के नाम से जाने जाते। बता सकते हैं यह यहाँ कि हम अपन काम करत रहे हैं, गृहस्थी वाला वो अपन पढ़त रहो है वो अपन संतन के सेवा करत रहो है, या न समझत तो भग जाए उनके भाग संस्कार वो देखोगे तो चलेगी। जैसे जब बच्चा रोता है तब माता दूध पिलाती है, पहले तब करना पड़ता है, तब कहीं भगवान देखते हैं कि कोई पुकार रहा है। देवल भाई हमारे सहपाठी हैं, एक साथ पढ़ते रहे प्राइमरी स्कूल में। वो जब संत कुछ दिन के बाद ऐसे ही फिरते रहे साथ में, फिर कुछ दिन के बाद वो संत हो गए और मैं एक छोटी सी नौकरी पा गया, मैं उसमें चला गया। उनके अब बहुत खुशहाली है कि आखिर उन्होंने अपने कर्मों से इतने बड़े पद में पहुँच गए। हम उन्हीं के देवल बाबा के पास के रहने वाले हैं, हमारा उनका बचपन से संग रहा और वो रामायण के बड़े प्रेमी थे, कभी कभी हमसे रामायण भी सुन लिया करते थे। वो तो ऐसा सुनते आए हैं कि वो तो अपना कोई ऐसा भक्त निकल जाता है जो तो सात पीढ़ी तक के लिए अपना वो उनका पुण्य काम करता है, तारता है, वो भाई पाने का रिश्ता रहा। स्पष्ट बात कह रहा हूँ, महाराज जी जब ज्ञान का उपदेश देते थे तो उतना सक्रिय नहीं हमारे जीवन में उतर पाया नारायण, लेकिन इन लोगों के व्यवहार को देख करके मेरे जीवन में ज़्यादा कह दे उसको प्रभाव किया। एक महाराज जी की जो वाणी थी ना, कभी लोभी बन करके धन में नाटको, कहीं लोग मोही बन करके तन में नाटको, अचल में रहो चपल चित्त में नाटको, पथिक अटक जाना महामूर्ता है। सभी संत सदगुरु जो समझा रहे हैं वो चर्चा भुलाना महामूर्ता, बड़े भाग्य से ऐसा अवसर मिला है निरर्थक बिताना महामूर्ता। तो महाराज जी की जो वाणी है कि कहीं लोभी बन करके धन में नाटको, धन दुखदाई नहीं है लेकिन धन में जो आसक्ति है वो दुखदाई है, तो लोभी न बनो। संसार के प्राणी भाई बंधु हैं जो कहते हैं, वो कहते हैं दुखदाई नहीं है लेकिन उनमें जो हमारा मोह है वो दुखदाई है, तो मोही न बनो। जिसे भजन है, दुखों से अगर चोट खाई न होती तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। तो जब तक दुख की पूर्ण चोट नहीं होती है ना जीवन में, थोड़ी थोड़ी चोट तो रोज पड़ती है, उस चोट को हम सहन करने की हमारी प्रवृत्ति आदत पड़ गई है, क्योंकि उसको दुख चोट को सहन करके हमें सुख की आशा बनी रहती है,
लेकिन जब जीवन में ऐसा दुख आता है कि कहते उसको दूर करने का कोई रास्ता नहीं होता, तब कहते हैं उसकी हटने का प्रयास। दुखों से अगर चोट खाई न होती, दुखों से तुम्हारी प्रभो याद आई न होती, तुम्हारी प्रभो याद। दुखों से अगर चोट खाई न होती, जगाते न यदि तुम, जगाते न यदि तुम निज ज्ञान द्वारा, जगाते न यदि तुम निज ज्ञान द्वारा, कभी हमसे कोई, कभी हमसे कोई भलाई न होती। स्वामी पथिक जी महाराज एक विलक्षण संत थे और उनका जीवन बड़ा पवित्र। सबसे बड़ी बात यह है कि एक सन्यासी का जो जीवन होता है उस जीवन को जिया उन्होंने, पूरी तरह अनासक्त, पूरी तरह मोहमुक्त और अपने स्थिति में निरंतर कूटस्थ, अपनी स्थिति में रहने वाले संत थे। वो कभी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होते थे, सांसारिक या भौतिक परिस्थितियां उनको प्रभावित नहीं करती थी, उन सबसे वे बिल्कुल असंग रहते थे। देश के बड़े बड़े लोग उनके संपर्क में आते थे, लेकिन उनके मन का संतुलन कभी इन बड़े लोगों के बीच में जाने आने से बदलता नहीं था। नित्य सत्वस्थ जैसे कहते हैं, वो नित्य सत्वस्थ थे। घंटों गंगा के किनारे, ये जो जहां आप बैठे हैं ये बड़ी बीहड़ जगह थी, यहाँ कोई आने की हिम्मत नहीं कर सकता था, लेकिन यही इसी जगह पर पत्थरों के बीच में आकर वो बैठते थे ध्यान में, घंटों बैठ जाते थे और किसी विद्यालय से उनकी उनको शिक्षा प्राप्त नहीं हुई थी, कोई डिग्री नहीं थी उनके पास, कोई उपाधि नहीं थी, कभी उन्होंने संगीत किसी से नहीं सीखा, लेकिन ये सब स्वतः स्फूर्त जो दर्शन की गहराइयाँ होती हैं, फिलासफी की डेप्थ, वो उनकी उनके प्रवचनों में, उनकी वाणी में दिखाई पड़ता था। देश के संतों में हमारी परंपराएं होती हैं अलग अलग, लेकिन हर परंपरा का संत उनका सम्मान करता था, वो चाहे वैष्णव हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे उदासीन हो, किसी भी परंपरा का संत हो, लेकिन पथिक जी का सम्मान सभी करते थे। बड़ा लंबा जीवन रहा देश के बड़े बड़े संतों के बीच में वो रहे, लेकिन कभी कोई आश्रम बनाना, कभी कोई ठिकाना बनाना।